मैं आज बात कर रहा हूँ इंडिया स्मार्ट एप्लीकेशन इंडियन बैंक के बारे में। इसमें एक काफ़ी इशू आ रहा है जिसे आप एक बार रजिस्टर कर लेते हैं, दोबारा अगर कोई कारण आपको फिर से लॉगिन करना पड़ता है तो एक प्रॉब्लम सामने में आता है, फिर से रजिस्टर मांगने लगता है। जब आप रजिस्टर करते हैं तो आप ऑलरेडी रजिस्टर बताता है और कॉन्टेक्ट ब्रांच बताता है। तो इस कंडीशन में अभी इसका टेम्प्रोरी प्रोसेस में है, जैसे ही अपडेट होता है तो मैं आप इसके ऊपर भी वीडियो बना कर को मैं डालूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ़िलहाल मैं आपको इस पर रजिस्टर करने के लिए बता देता हूँ। तो आज हम बताएंगे आपको इंडिया स्मार्ट एप्लीकेशन पर रजिस्टर करने के लिए, तो आप हमारे वीडियो में बने रहे, मैं आपको शुरू से अंत तक बताऊंगा किस प्रकार और किस तरह किया जा सकता है। आप लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें और शुरू से अंत तक देखें। एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग, स्कैन एम्पायर, डेमो वीडियो, UPI, सिक्योरिटी क्वेश्चन फीचर और भी बहुत सारे इसमें फीचर है। अगर आपको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करना हो तो सब चीज़ का फैस दिया गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं रजिस्टर के ऊपर। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और एग्री पर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है रजिस्टर करने का, एक है सैप नंबर और दूसरा है मोबाइल नंबर। अगर आपके पास मोबाइल नंबर है तो उससे भी कर सकते हैं, अगर आप सैप नंबर है तो उससे भी कर सकते हैं। किसी को सबसे आसान तो मोबाइल नंबर है, तो मैं नंबर टाइप करता हूँ, मैं इसे हाइड कर दूँगा। वेट कीजिए कुछ पल। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूजर ऑलरेडी प्लीज कॉन्टेक्ट ब्रांच बता रहा है। मैं दूसरा ऑप्शन से ट्राई करूँगा, देखते हैं क्या प्रॉब्लम क्या इशू आ रहा है। सैप नंबर से करेंगे। अब हमको इसका सैप नंबर नहीं मालूम, तो यहाँ पे लिखा है नो योर सैप। मैं इस पर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है नो योर, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। देखिए आप यहाँ पर आपको लिखा है अकाउंट नंबर एंड मोबाइल नंबर। आप पहले सबसे पहले ऊपर में अकाउंट नंबर टाइप कर दे, नीचे मोबाइल नंबर टाइप कर दे, जिसे मैं कर लेता हूँ। और मोबाइल नंबर भी मैं डाल देता हूँ। अब आपसे OTP पूछा जाएगा। OTP डालने के बाद आपको सैप नंबर मिल जाएगा, उसे आप फिर लॉग डाल करके आप दोबारा कोशिश करें लॉगिन करने का। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, इसका सलूशन जल्द से जल्द हो जाएगा। और जैसे सलूशन हो जाता है मैं उसके ऊपर वीडियो बना करके डालूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले वीडियो देखने के लिए, ताकि आप सभी को सुविधा असुविधा का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद।